हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो को अभी लाइक कर दें क्योंकि ये वाला वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है। आज मैं आप लोगों के लिए जूती बनाना सिखाऊंगी। साइज आप कितनी भी बड़ी बना सकते हैं, कितनी भी छोटी बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत कम टाइम में बन जाता है। बहुत ईजी है बनाना और बहुत सुंदर लगती हैं। तो आप बच्चों की बनाएं, बड़ों की बनाएं, जिसकी आप बनाना चाहते हैं उसकी बना सकते हैं। बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है। तो वीडियो अगर थोड़ा सा ही पसंद आए तो उसको एक लाइक कर दें, अपनी फैमिली फ्रेंड सबको शेयर करें। अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो अब भी उसको सब्सक्राइब कर लें, पास में जो घंटी बनकर आएगी उसको भी प्रेस कर दें। तो देखिए, सबसे पहले हम दो चैन बनाएंगे और देखिए इस तरीके से फर्स्ट वाली चैन में डालकर इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम इसके अंदर 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसके अंदर हम। सात सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे जॉइंट कर दिया। अब देखिए क्या करेंगे हम, एक चैन लेकर और इस तरीके से देखिए धागे को लेकर इसी में जिसमें हमने जॉइंट किया है उसी में डालकर इस तरीके से 3 फंदे बना लिए। फिर से वापस उसमें डाला, 2 हो गए, 2 बार डाल दिया। अभी तीसरी बार फिर डालेंगे। ठीक है, अब देखिए 3 बार हो गए हैं। अब इसको हम एक साथ निकाल देंगे और एक चैन बना लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकंड वाले में डालेंगे, सेकंड चैन में डालेंगे। देखिए पहले डालेंगे सेकंड चैन में और ये धागा निकाल लिया। अब हम इस तरीके से 3 बार डालेंगे, 1, 2 और 3। ये 3 बार डालकर अब सारे फंदे एक साथ निकाल लेंगे और एक चैन ले लेंगे। इसी तरीके से हमें 7 चैन में बनाने हैं, जो हमने 7 चैन बनाई है 7 चैन में हमें बनाने हैं। देखिए इसी तरीके से बनाने हैं, तो बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कंप्लीट हो गया है, 7 हमने कंप्लीट कर लिए। 1, 2, 3, 5, 6, 7 देखिए 7 हो गए हैं कंप्लीट। अब देखिए आगे का काम करते हैं। ये फूल मैंने बना लिया, अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब मैं आगे का आपको बनाना बताती हूँ कि कैसे बनाना है। देखिए अब मैं इसको बनाना बताऊँगी आपको। तो देखिए क्या करेंगे इसके लिए हम, सबसे पहले हम 9 चैन बना लेंगे। अलग कलर की ऊन से 9 चैन बना लिए मैंने। ठीक है, पिंक कलर की ऊन से। अब एक चैन छोड़ेंगे सेकंड वाली में डालकर इस तरीके से देखिए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन में हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फर्स्ट इस वाली चैन में हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 3 बनाने के बाद अब हम इसके पास वाली में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसके पास वाली में एक और बनाएंगे। तो 2 सिंगल क्रोशिया होगी हमारे पास, 2 चैन में बना ली। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक इस चैन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके पास वाले में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 हमारे पास हाफ डबल क्रोशिया हो जाएंगी। ठीक है, अब हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले इस वाली में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर इसके पास वाली में बनाएंगे। ये देखिए अब ये लास्ट वाली में क्या करेंगे हम, ये लास्ट वाली में 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 7 डबल क्रोशिया को बनाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देखिए 7 डबल क्रोशिया बना ली। देखिए 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम फिर से जैसे अपने इस साइड में बनाया था अभी वैसे ही बनाना है। 2 में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 में हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 में सिंगल क्रोशिया। तो देखिए सबसे पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 चैन में। देखिए एक डबल क्रोशिया और इसके पास वाले में एक और डबल क्रोशिया। अब देखिए 2 हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस वाली चैन में डालकर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे
और इसके पास वाले में एक और हाफ डबल क्रोशिया। जो तीन फंदे होते हैं उसको एक साथ निकाल लेते हैं, उसको हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। देखिए जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता रही हूँ। अब देखिए दो सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, एक और एक यहाँ पर, दो सिंगल क्रोशिया बना लिया। अभी देखिए लास्ट वाले में हम यहाँ पर लास्ट वाले में दो सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे यहाँ पर, वन टू, टू सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम इसको यहाँ पर जॉइंट कर देंगे, इसमें बीच में यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाएगी। और अब देखिए क्या करना है, इस तरीके से बन गई। ठीक है, अब देखिए वन चैन लेंगे, चैन लेने के बाद यहाँ पर डालेंगे और एक हाफ डबल क्रोशिया वापस इसी में डालकर एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से बन गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, वन हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, देखिए सात हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम सात चैन में दो दो बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए सात चैन में हम दो दो बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इसमें एक बनाया, वापस इसी में डालकर एक और बनाएंगे। ठीक है, अब इसके पास वाली में इसमें भी हम दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो टोटल सात चैन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, पास में जो घंटी बन कर आएगी उसको ज़रूर प्रेस करें। मैंने बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइंस, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डाल रखी है अपने चैनल पर। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो अभी मेरा चैनल ओपन करके वहाँ से आप लोग एक बार ज़रूर देखें। काफ़ी सारे लोगों को पसंद आ रही, हो सकता है वो आपको भी पसंद आए, तो एक बार ज़रूर चेकआउट करें। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखिए यहाँ पर टोटल सात बार हम हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब जितनी भी हमारे पास ये चैन बची हैं सब में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ तक बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब मैं इसमें जॉइंट कर दूँगी यहाँ पर। अब देखिए क्या करेंगे, बन चैन ले ली, अब हम आगे का बनाएंगे, ये चीज़ बनाएंगे अब हम। तो कैसे बनाना है चलिए देख लेते हैं। देखिए इस तरीके से पकड़ेंगे और ये आपको दो दिख रहे हैं, ठीक है। पीछे वाले में हमें डालकर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए पीछे वाले में डालकर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और देखिए दो दिख रहे हैं, पीछे वाले में डालेंगे इसको और इसको सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरा यहाँ से पूरा कंप्लीट करूँगी मैं इसी तरीके से, फिर आपको दिखाऊँगी। तो देखिए मैं कोशिश करती हूँ कि छोटी से छोटी वीडियो बने और अच्छी से अच्छी बने, डिज़ाइन अच्छी हो, चीज़ अच्छी हो, छोटी वीडियो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना करे, वेस्ट ना हो। तो इसलिए अगर वीडियो पसंद आया करे तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो देखिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए क्या करेंगे, एक चैन ले ली, ठीक है। अब देखिए हम फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, हर चैन में डालकर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, हर चैन में डालेंगे एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से डालेंगे, इस तरीके से, और हर चैन में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस राउंड को मैं ऐसे ही कंप्लीट करूँगी और फिर दिखाती हूँ आगे क्या करना है। इस पूरे राउंड को मैं ऐसे ही कंप्लीट करूँगी। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया, अब इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। अब हमें सेकंड राउंड भी सेम ऐसे ही बनाना है। देखिए इस तरीके से बन गया आपका। देखिए
यहाँ पर ज्वाइन कर दिया और एक चैन बना ली। अब जैसे अभी हमने बनाया सेम इसी तरीके से हम इस राउंड को भी बनाएंगे, हर चैन में डालेंगे और एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरीके से हर चैन में डालेंगे, एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस राउंड को सेम हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है, इस पूरे राउंड को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, फिर आपको आगे बताती हूँ। देखिए इस तरीके से बना रही हूँ, बहुत सुंदर लगती है। अगर आपको बड़े साइज़ की चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं बड़ा साइज़ बनाना बताऊँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिस पर अच्छा रिस्पांस मिलेगा, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे मैं तभी वीडियो बनाऊँगी। देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर डालेंगे और इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से तो हम 9 चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 9 सिंगल क्रोशिया हमें बनानी है। नौ सिंगल क्रोशिया बनानी है। देखिए 9 कंप्लीट हो गई। अब दसवीं में हमें क्या करना है, अब मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अभी हमने ये फूल जो बना के रखा था, इसको हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे। तो कैसे करेंगे देख लीजिए। तो देखिए दसवीं चैन में डालेंगे इसमें इस तरीके से, और इसको इस तरीके से डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको डालेंगे, ठीक है। अब इसको सिंगल क्रोशिया से ही बना लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए एक बार हमने जोड़ लिया फूल को, अब दो हम सादा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दो चैन में एक और इसके पास वाले में एक, दो दो हो गए। अब फिर से हम इसी तरीके से जोड़ेंगे। तो देखिए इस चीज़ को हमें जोड़ना है, इसको पकड़ कर पहले इसमें डालेंगे क्रोशिया को, फिर इसको इसमें डालकर जोड़ लेंगे इस तरीके से। देखिए फिर हम दो सादा चैन बनाए, दो सादा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए दो चैन में। अब फिर इसको पकड़ कर देखिए इस तरीके से पकड़ कर इसमें जॉइन कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से जॉइन कर दिया, फिर दो चैन बनाएंगे हम, सॉरी दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसको पकड़ेंगे यहाँ पर, इसको जॉइन कर देंगे। देखिए हो गया इतना। अब देखिए क्या करेंगे, इतना ज्वाइन करने के बाद देखिए क्या करेंगे, अब हर चैन में सिंगल क्रोशिया बनाकर इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर इसको एक बार और ज्वाइन करके, देखिए इतना हमने ज्वाइन कर दिया, इतना ज्वाइन करके अब हम सिंगल क्रोशिया से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ तक हमने जोड़ लिया है, अब इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, यहाँ पर देखिए इसको ज्वाइन कर दिया, एक चैन ले ली। अब देखिए क्या करना है, अब हम इस तरीके से फंदा इस तरीके से बनाएंगे, देखिए इस तरीके से बनाएंगे। देखिए हमें इस तरीके से बनाना है, जहाँ पर हमने फूल ज्वाइन किया है वहाँ तक हमें इसी तरीके से बनाते जाना है। तो यहाँ पर मैंने जीरो साइज का बना रखे हैं, जीरो साइज के बनाए हैं। और अगर आप लोग चाहते कि मैं बड़ी लड़की का बनाऊं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए अब यहाँ तक हमारा हो गया, अब हम यहाँ पर डालकर इसको देखिए इस तरीके से डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। अब बीच वाले में डालेंगे यहाँ पर, देखिए इसको यहाँ पर डालेंगे और तीन सिंगल क्रोशिया इसमें बनाएंगे हम, इसमें डालेंगे और तीन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक सिंगल क्रोशिया, अब वापस इसमें डालकर एक और सिंगल क्रोशिया और फिर एक और बनाएंगे, टोटल तीन सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया, ठीक है। इसी तरीके से हम इसके पास वाले में डालकर यहाँ पर भी तीन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
सेम इसी तरीके से बनाएंगे इस तरीके से। देखिए तीन सिंगल क्रोशिया इसमें ही बना लूँगी मैं। अब ये लास्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी इसमें। अब हर चैन में जैसे अभी हमने बनाया था उस तरीके से बनाएंगे। देखिए एड स्टिच बनाएंगे सारा और लास्ट में जाके जॉइंट करेंगे। तो मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बड़ा साइज बनाऊँ तो आप एज के हिसाब से मतलब मुझे बताएं कि मैं 5 साल की बनाऊँ या 6 साल की या 10 साल की, जितने भी साइज़ का आप चाहते हैं तो उतना साल का लिख के मुझे कमेंट ज़रूर करें। जिस पर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा उसके उसका वीडियो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आप इसको 22-23 साल की लड़की के लिए भी बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं और मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसका वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए इस तरीके से बन गए हैं। देखिए मैंने यहाँ पर मोती लगाया है एक और स्टोन लगाए हैं और बहुत ही क्यूट से लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करें। अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में, जब तक बाय।